1950 से 1980 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न वृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर कहा जाता है। कुछ शुरुआती अर्थशास्त्रियों के द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया था। वे मानते थे कि हिंदुओं का भाग्यवाद में विश्वास था तथा किसी भी परिस्थिति में संतोष करना उनकी आदत। यह प्रवृत्ति भारत की अर्थव्यवस्था की धीमी गति के लिए जिम्मेदार मानी गई। यह नामकरण भारत के अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्णन ने एक सभा के दौरान व्यंग के रूप में किया था। 1950 के दौर में ताइवान, दक्षिण कोरिया जैसे देश भारत के समान आय स्तर पर थे, परंतु 1980 तक आते आते इन देशों में उच्च वृद्धि दर से इन देशों ने स्वयं को विकसित कर लिया और भारत की स्थिति जस की तस बनी रही। भारत मात्र 3% से कम वृद्धि की दर से आगे बढ़ने का प्रयास करता रहा। कुछ बाद के अर्थशास्त्रियों ने भारत सरकार के संरक्षणवादी और हस्तक्षेपवादी नीतियों को कम वृद्धि दर का कारण माना। हिंदू वृद्धि दर जैसे शब्दों के प्रयोग की आलोचना भी की गई, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्न विकास दर धर्मनिरपेक्ष नेहरूवादी समाजवाद के कारण रही, जिसका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं था।